तो डिवोशनल रागा में हम आपको लेकर चलते हैं किसी डिवोशनल जगह जहां आप जाएंगे तो आपका मन जरूर शांत रहेगा। इतना ही नहीं, अगर आप बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं तो आपको ये जगह जाना बिल्कुल सही रहेगा। डिवोशनल रागा में आज हम आपको बैद्यनाथ धाम लेकर चलते हैं। बैद्यनाथ धाम वो धार्मिक स्थल है जहाँ सावन के महीने में देश भर से कांवड़िया जुटते हैं। बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये झारखंड के देवघर में। वैसे तो यहाँ कभी भी आप जा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में बैद्यनाथ धाम की रौनक वाकई में देखते ही बनती है। देखिए आप, श्रद्धा से भरपूर ये जगह बाबा की नगरी के नाम से विख्यात है। देश भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और शिवलिंग पर जल और पुष्प अर्पित कर सिर नवाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बैद्यनाथ धाम, जो कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। पहाड़ और प्रकृति के बीच बैद्यनाथ धाम श्रद्धालुओं में काफी प्रसिद्ध है। बैद्यनाथ धाम का अपना सांस्कृतिक इतिहास है। प्राचीन कथाओं के मुताबिक लंकापति रावण बड़ा शिव भक्त था। रावण ने यहां बाबा बैद्यनाथ की स्थापना कर कांवड़ यात्रा की थी। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के महीने में जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। सावन आते ही यहां सजने लगते हैं कांवड़ और लगने लगता है बोल बम का जयकारा। यहाँ आने से पहले श्रद्धालु शिव गंगा में डुबकी लगाते हैं और फिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहाँ ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान यहाँ की तीर्थ यात्रा पूरे 30 दिनों के लिए जारी रहती है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगता है। न केवल देश से बल्कि दुनिया के कई और देशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक एक महीने की इस अवधि में करीब 50 से 55 लाख तीर्थयात्री यहां आते हैं। शिवरात्रि मेला और बसंत पंचमी के मौके पर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि यहां के कण कण में महादेव बसते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में देवघर के बाबा धाम का अपना अलग स्थान है। अगर आपने यहाँ की यात्रा नहीं की है, बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कभी मौका निकालकर यहाँ की यात्रा जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।